गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक है वो एरिन एरोमेटिसिटी, जिसके पार्ट नंबर 2 तक हमने कर लिया। उसमें हमने ये देखा था कि एकल प्रतिस्थापी किस तरीके से बेंजीनिंग पर जुड़े रहते हैं, द्विप्रतिस्थापी और त्रिप्रतिस्थापी, उसी प्रकार एकल क्रियात्मक समूह, द्विक्रियात्मक समूह और त्रिक्रियात्मक समूह से संबंधित हमारी बात हो गई थी। अब बेंजीन की संरचना से संबंधित बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेंजीन की संरचना। बेंजीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और सबसे पहली बात आती है इसके अंदर इसका अणु सूत्र। तो अणु सूत्र होता है C6H6 होता है। दूसरा, असंतृप्ता की प्रकृति। पहले तो बेंजीन संरचना की बात करते हैं, तो अणु सूत्र से संबंधित बात करेंगे। और अणु सूत्र के अंदर हम देखते हैं कि बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है वो C6H6 होता है। और दूसरा हम बात करते हैं असंतृप्ता की प्रकृति की जब बात करते हैं, तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका अणु सूत्र होता है CnH2n+2। 6 कार्बन इसके अकॉर्डिंग C6 हो जाएगा और H 12 2 14, यानी कि बेंजीन की संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह देखें, तो इसका अणु सूत्र जो होता है वो इस प्रकार होगा कि C6H14 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए, इस अणु सूत्र और इस अणु सूत्र में 8 हाइड्रोजन का डिफरेंस पाया जा रहा है। इसका मतलब इस बेंजीन के अंदर क्या होना चाहिए, 4 बाई पॉन्ड उपस्थित होने चाहिए। क्योंकि हम ऐसी स्टडी कर रहे हैं, हम जानते हैं बेंजीन के अंदर C6H6 होता है, हम ये भी जानते हैं कि उसके अंदर 3 पाई बॉन्ड होता है, ये तो बात मानी। लेकिन जब स्टार्टिंग में बेंजीन रिंग को व्यवस्थित किया था, के कुल्ले की संरचना के अकॉर्डिंग बेंजीन रिंग बनाया था, उसके संबंध से पहले की बात है। जब तक हमें ये पता नहीं था कि बेंजीन रिंग को हम बनाएंगे कैसे, हमारे पास बेंजीन का अणु सूत्र आया था C6H6, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि बेंजीन रिंग को कैसे बनाएंगे। ये एक चैप्टर ऐसा है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि पहले बेंजीन रिंग बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, कैसे कैसे बेंजीन रिंग को बनाया था, किस किस ने क्या सुझाव दिए थे, उन सब पर चर्चा करके लास्ट में हम बेंजीन रिंग पर आएंगे। फिर बेंजीन रिंग से संबंधित कंपाउंड की बात करेंगे, तो 8 हाइड्रोजन कम है, मीन्स 4 क्या होने चाहिए, पाई बॉन्ड उपस्थित होने चाहिए। और जब 6 कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो उसके अंदर 4 पाई बॉन्ड उपस्थित होने चाहिए। 4 पाई बॉन्ड या तो ऐसे हो सकते हैं कि हमारे पास में 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 6 कार्बन की जो श्रृंखला है उसके अंदर हमारे पास क्या हो, 4 डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो हमें 8 पाई बॉन्ड मिल सकते हैं। जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH 4 कार्बन 5 और 6, यहाँ डबल बॉन्ड हो या फिर यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो अब देखो, यहाँ H और यहाँ H, पहली कंडीशन इस तरीके से होती है। ये अब देखो, ये एक पाई बॉन्ड यहाँ होंगे, 4 पाई बॉन्ड हो गए, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो ये कंडीशन किसकी है, 4 डबल बॉन्ड की कंडीशन है। क्या है, 4 डबल बॉन्ड की कंडीशन है। फिर उसने ये भी कहा, हमने ऐसा भी सोचा कि 4 पाई बॉन्ड करने के लिए 3 2 ट्रिपल बॉन्ड कर दें, क्योंकि एक
ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं दो पाई बॉन्ड? यही छह कार्बन की श्रृंखला बना लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 और C और ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इससे भी, देखो C6 ही आ रहा है, इससे भी फॉर्मूला C6 आ रहा है, इससे भी C6 आ रहा है, लेकिन इसमें कितने हैं पाई? दो ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? दो ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो ट्रिपल बॉन्ड है मतलब दो पाई बॉन्ड तो यहाँ हो गए, दो पाई बॉन्ड यहाँ हो गए, चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना, और एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक हो गया, चार डबल बॉन्ड से चार पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसका अणुसूत्र भी C6 है, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने ये कही, तीसरी बात ये चर्चा में आई कि हमारे पास यहाँ क्या करें, दो तो डबल बॉन्ड ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो एक दो और तीन और चार, चार पाई बॉन्ड हो गए, लेकिन हमारे पास क्या है, दो तो डबल बॉन्ड है वह एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो इससे भी C6H6 ही आएगा। भी हमने स्टार्टिंग में ये माना था कि अणुसूत्र क्या आना चाहिए, C6H6 आना चाहिए, असंतरता की प्रकृति की बात की तो संतरत्व हाइड्रोकार्बन का जो अणुसूत्र होगा C6H14 हो जाएगा, लेकिन बेंजीन का क्या है C6H6, यानी कि चार आठ हाइड्रोजन कम है और चार पाई बॉन्ड कम है, चार पाई बॉन्ड बना करके हम बेंजीनिंग बना सकते हैं, तो इनको भी बेंजीनिंग मानना चाहिए था। तो ये क्या बताते हैं, एक असंतरता की प्रकृति को बताते हैं। अब शुरू में जब बेंजीनिंग देने की बात आई तो इन तीन संरचनाओं को बताया और इन तीन संरचनाओं के लिए कहा गया कि अगर इन तीनों संरचनाओं में से बेंजीन की कोई भी संरचना है तो वो निम्न गुण दर्शा सकती है। पहली बात, इन तीनों में से कोई संरचना होगी तो वो क्या करेगी, ब्रोमीन जल को, ब्रोमीन जल व KMnO4 को रंगहीन कर देंगे, KMnO4 को रंगहीन कर देंगे, रंगहीन कर देते हैं। अगर इनमें से कोई संरचना होती है तो वो क्या करते हैं, ब्रोमीन जल को और KMnO4 को रंगहीन कर देते हैं, क्योंकि ब्रोमीन जल भी कुछ ना कुछ कलर शो करता है और KMnO4 भी कुछ ना कुछ कलर शो करता है। दूसरी बात ये कही कि ये हाइड्रोजन अम्लों वे हाइपोएलएस अम्लों के साथ है, हाइपोहेलस अम्लों के साथ है रिएक्शन शो करते हैं, क्या करते हैं रिएक्शन शो करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी संरचना होगी तो वो हाइपोहेलस अम्लों के साथ और हाइड्रोजन अम्लों के साथ रिएक्शन शो करेंगे, वो भी कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। फिर उसके बाद में तीसरी बात आई कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन व ओजोन के अणु हो तो इनके साथ भी क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। सबसे पहले बेंजीन का अणुसूत्र C6 दिया, उस 6 के आधार पर C6H6 के आधार पर असंतरता की प्रकृति ज्ञात की, तीन संरचना बनाई, इन तीनों संरचनाओं में से कोई अगर संरचना मिलती है तो वो ब्रोमीन जल KMnO4 को रंगीन कर देगी, हाइड्रोजन अम्लों या हाइड्रोजन हाइपोएलएस अम्लों के साथ एडिशन रिएक्शन शो करेगी, H2 है O3 के साथ में योग कर सकती है, यानी कि हाइड्रोजन व ओजोन के साथ योग कर सकती है। अब देखिए बात, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, बेंजीनिंग जो होती है उसके गुण ये पाए जाते हैं, पहला गुण इसी के अकॉर्डिंग कि ये ब्रोमीन जल KMnO4 को रंगीन करता है, लेकिन बेंजीन क्या करता है, ब्रोमीन जल
ब्रोमीन जल व KMnO4 के प्रति यह प्रभावी रहते हैं, KMnO4 के प्रति यह प्रभावी रहते हैं, यानी कि कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। तो वास्तव में बेंजीनिंग का ये गुण पाया जाता है जो इससे कोई मैच नहीं करता, ठीक है। फिर ये बोला हाइड्रोजन अम्लों या HLS अम्लों के साथ एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन बेंजीनिंग जो होती है वो उत्प्रेरक की एडिशन ये हाइड्रोजन अम्लों व HLS अम्लों के साथ HLS अम्लों के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते, कोई रिएक्शन शो नहीं करते। लेकिन बेंजीनिंग एक चीज जरूर करते हैं कि बेंजीनिंग हाइड्रोजन के साथ या हेलोजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन जरूर करते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कर सकते हैं। चौथी बात, यह हाइड्रोजन व ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। मान लो इस हाइड्रोजन को यहाँ ना लिखे तो हेलोजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन व ओजोन की बात करें तो हाइड्रोजन व ओजोन के तीन अणुओं को अपने साथ जोड़कर तीन अणुओं को अपने साथ जोड़कर रिएक्शन शो कर सकते हैं, अपने साथ जोड़कर रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो अणु सूत्र C6 उसके अकॉर्डिंग हमने ये तीन संरचना बनाई। ये तीनों संरचनाएं क्या करती है, ब्रोमीन जल KMnO4 को रंगीन कर देती है, हाइड्रोजन अम्लों व HLS अम्लों के साथ एडिशन रिएक्शन देती है, ओजोन व O3 के साथ योग कर सकती है। लेकिन बेंजीन के अंदर तो ये गुण पाए जाते थे, ब्रोमीन जल KMnO4 के प्रति यह प्रभावी रहता, हाइड्रोजन अम्लों व HLS अम्लों के साथ रिएक्शन शो करता, Cl2 के साथ भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, और एलोजन अम्लों के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, लेकिन हाइड्रोजन अम्लों और HLS अम्लों के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, H2O3 के तीन अणुओं को अपने साथ जोड़ सकता है। तो ये थे बेंजीन के करैक्टर और ये असंतृप्तता की कंडीशन थी। लेकिन फिर थोड़ा सा चेंज किया गया, असंतृप्तता की प्रकृति से बात नहीं बनी, हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं मिली हमें, और ये तीन संरचनाएं थी, इन संरचनाओं को अपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड संरचनाएं मानते हैं। बेंजीन रिंग के लिए 6-7 संरचनाएं दी गई थी, उनमें से कुछ संरचनाएं मान्य हुई थी कि हाँ ये बेंजीन रिंग की संरचनाएं, ठीक है, असंतृप्तता की प्रकृति से बात नहीं चली। फिर नेक्स्ट आता है चक्रीय संरचना, फिर हमने क्या की, चक्रीय संरचना बनानी शुरू की, क्या की, चक्रीय संरचना बनानी शुरू की। और जब चक्रीय संरचना बनाते हैं तो थोड़ी कोई नज़दीक लगती बात हमें प्राप्त हुई, इसके अकॉर्डिंग चक्रीय संरचना की हम बात करते हैं तो ये कार्बन इस तरीके से चक्रीय संरचना के रूप में व्यवस्थित किया, यहाँ डबल बॉन्ड से CH2, यहाँ डबल बॉन्ड से CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड से CH2। तो तीन संरचना हमने बना ली थी, ये चौथी संरचना। फिर चक्रीय संरचना के रूप में ऐसी संरचना दी गई थी जो C6H6 को शो करती है, और स्टडी होती गई, आगे से आगे संरचनाएं देते रहे कि ये सोचा कि हो सकता है हमारी बेंजीनिंग वाली संरचना से संबंधित बात बन जाए। इस तरीके से एक संरचना ये दी गई जिसके अंदर C6H6 तो पाए जा रहे हैं, लेकिन
डबल बॉन्ड दो ही हैं तो ये चार पांच नंबर संरचना दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद में एक संरचना और बनाई गई, ये छह नंबर संरचना। तीन नंबर हमने पहले बना ली, चार नंबर बनाई चक्रीय फॉर्म में लेके आए, पांच नंबर भी चक्रीय फॉर्म में, छह नंबर भी चक्रीय फॉर्म में। अभी तक कोई बात नहीं बनी थी कि हाँ हमने व्यंजनिंग की संरचना बना ली। उसके बाद में केकुले नामक वैज्ञानिक आया और उसने एक इस तरीके की संरचना बना दी, चक्रीय फॉर्म भी थी, C6H6 भी थे, तीन पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट थे, सब एकांतर क्रम में थे, कंजुकेशन भी पाया जा सकता है इनके अंदर। ये संरचना बनाई सात नंबर, और फिर ये संरचना बनाई आठ नंबर, ये संरचना बना दिया आठ नंबर। इस तरीके से एक से लेकर के आठ तक की संरचनाएं बनी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की संरचनाएं दी कि हाँ हम C6H6 या बेंजीन की संरचना तक पहुंच जाएं। तो तीन संरचना की हमने पहले स्टडी की, जो सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की फॉर्म में थी, ये चक्रीय फॉर्म में, ये भी चक्रीय फॉर्म में, ये भी चक्रीय फॉर्म में, नई मान्यता मिली, फिर सात और आठ नंबर स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो स्ट्रक्चर तो दो आ गई अपने पास, एक सात और एक आठ, अब किसको मान्यता दी जाए। तो इस तरीके की ये आठ संरचनाएं बनाई, जिसमें से ये सात और आठ नंबर जो संरचनाएं थी वो किसकी थी, केकुले की संरचना थी। क्या थी? केकुले की संरचना। एक देवार नामक वैज्ञानिक भी अपने अलग प्रकार की संरचनाओं की बात करता है, तो इस तरीके से ये संरचना से संबंधित बात थी बेंजीनिंग की। फिर उसके बाद में बेंजीन की वल्य संरचना या केकुले की संरचना, इसकी संरचना जो अभी हमने सात और आठ नंबर बनाई थी वो संरचना ही थी। एक तो ये थी, ठीक है, और एक इस तरीके से बना सकते हैं इधर डबल बॉन्ड, इन दोनों संरचनाओं को मान्यता मिली। और इन दोनों संरचनाओं को मान्यता मिलने के पश्चात इन्होंने इन दोनों को एक अनुनादी संरचना कह दिया, दोनों एक ही टाइप की संरचना है, इसलिए केकुले की संरचना को इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया कि ये एक बेंजीनिंग की संरचना है। जो किसने दी है? केकुले ने दी है, और या फिर इसको इस तरीके से शो कर दिया बेंजीन की फॉर्म में, ये क्या है? केकुले की वल्य संरचना है। केकुले ने किस प्रकार दी, किस प्रकार बेंजीन के गुणों से संबंधित करके इस संरचना को दिया, तो वो क्या कहलाते हैं? केकुले के पक्ष में प्रमाण कहलाते हैं। तो ये केकुले की संरचना थी। इन दोनों संरचनाओं को, फर्स्ट और सेकंड संरचनाओं को अनुनादी संरचना मानकर एक ही संरचना दे दी, और जिसको इस तरीके से बेंजीनिक के रूप में शो कर दिया, जिसके अंदर छः कार्बन थे और छः हाइड्रोजन थे, तीन बाई बॉन्ड थे और छः पाई इलेक्ट्रॉन थे,
और जिसके अंदर डबल सिंगल डबल बॉन्ड को एकांतर क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो लास्ट में ये सफलता किसे मिली? केकुले को मिली, केकुले की संरचना के द्वारा। तो इस प्रकार केकुले ने सारी चीज़ें बताई है कि बेंजीनिंग किस तरीके से रिएक्शन करता है, कितने अणु जोड़ सकता है, किसके साथ कैसी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनता है। ये सारे केकुले के पक्ष के प्रमाण के अंदर आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो केकुले के पक्ष में प्रमाण और उसकी कमियां नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।